हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे हेल्दी एंड टेस्टी पोहा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, और हमें चाहिए चिवड़ा। चिवड़े को पानी से धोएं और ज़्यादा पानी में ना रखें, तुरंत निकाल लें। और हरी मटर चाहिए, जिस बर्तन में आप बनाएंगे वो ले लें आप, और उसे अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें तेल डालें। तेल डालने के बाद उसके अंदर जीरा डालें, जीरे को भूज लें, फ्राई कर लें। फिर उसमें हरी मिर्च डाल लें, हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें प्याज डालें, प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लें जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। उसे चला लें, फिर थोड़ी देर वेट करें। ये जब ये ब्राउन हो जाएगा, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर फिर टमाटर डालेंगे हम। टमाटर डालें, टमाटर को फ्राई करें जब तक वो अच्छे से पक ना जाए। फिर हरी मटर डालेंगे, हरी मटर बॉईल करके डालें तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है उसका। फिर उसे अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर उसके अंदर मूंगफली डालेंगे। फिर मूंगफली डालने के बाद उसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे, और स्वाद के लिए मैगी मसाला डालेंगे। ये डालने के बाद उसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम चिवड़ा डालेंगे जो उसे हम पानी से धोते हैं। पानी से ज़रूर धो के डालें, उसी से ही टेस्ट आएगी। और ये हमारा पोहा रेडी। थैंक यू ना।